आई एम स्टार्टिंग चैप्टर वन क्वेश्चन आंसर बट आई हैव सेंड दिस क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी एट द पेस थर्टीन एक्साइज फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है ये वर्ड आपको सेलेक्ट करने कौन सा इस फिलअप में आएगा तो देखिए पहला ए पार्ट देखिए इसका द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड है एक ही प्रकार के पौधे उन्हें उगाया जाता है उन्हें लार्ज स्केल बड़े स्तर पर एट ए प्लेस किसी स्थान पर इस कॉल्ड क्रॉप उसे क्या कहा जाता है क्रॉप तो क्रॉप आ गया बच्चों ये वाला वर्ड यहां आ गया फिर बी में देखिए द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स पहला स्टेप फसल उगाने से पहले क्या बच्चों सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं सॉइल की तो प्रिपरेशन आ जाएगा ये वाला वर्ड यहां आ जाएगा नौ सी पार डेमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ सॉइल अर्थात खराब जो बीज होते हैं वो पानी की सतह पर क्या करते हैं फ्लोट तैरते हैं मैंने बताया भी था आपको हैवी सीड तो नीचे बॉटम में आ जाते हैं और जो डैमेज सीड होते हैं वो फ्लॉट करते हैं अब डी देखिए फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप एक फसल उगाने के लिए सफिशियंट सनलाइट चाहिए पर्याप्त सूरज का प्रकाश एंड न्यूट्रिय पोषक तत्व चाहिए जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम है आदि इनको न्यूट्रिशन कहते हैं न्यूट्रिशन चाहिए सॉरी न्यूट्रिय चाहिए एंड वाटर चाहिए तो पहले में क्या आएगा न्यूट्रिय और दूसरे में क्या आएगा वाटर जो कहां पर है आ, ये न्यूट्रिय और वाटर ये रहा। इन्हें आगे पीछे कर सकते हैं पहले आप वाटर लिख दो बाद में न्यूट्रिय पहले ये लिख दो बाद में ये लिख दो तो ये आपकी इच्छा है अब दूसरा क्वेश्चन आपका मैचिंग का है उसमें दो कॉलम है ए और बी तो पहला है खरीफ क्रॉप खरीफ क्रॉप का जो मैचिंग है वो पेडी एंड मेज से है अर्थात पेडी धान की फसल चावल की फसल होती है बच्चों, मेज मक्का रवि क्रॉप्स में गेहूं की फसल व्हीट क्रॉप्स, ग्राम एंड पी अर्थात ये गेहूं की और आपकी ये ग्राम चना और पी मटर होता है फिर आगे है केमिकल फर्टिलाइजर्स बच्चों जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं मैंने आपको बताया था न्यूट्रिय प्रोवाइड कराते हैं तो यूरिया एंड सुपर फास्फेट, यूरिया इसमें 46 परसेंट बच्चों नाइट्रोजन होती है ऐसे इसमें फास्फोरस होता है इसके बाद बच्चों ऑर्गेनिक मैन्योर ऑर्गेनिक मेन्योर मैन्योर आपको बताया था मैंने ये फील्ड में ही प्रिपेयर किए जाते हैं तो इसमें आ, एनिमल एक्सिडा पशुओं के अवशिष्ट है गोबर और यूरिन मूत्र एंड प्लांट वेस्ट पौधों के जो अवशिष्ट भाग हैं, ये सब इनसे क्या बनते हैं ऑर्गेनिक मेन्यूर बनते हैं और बच्चों इस तरह से आपका ये टोटल रहा इसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखें। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए खरीफ का बेटा येरा पेडी एंड मेज़, रवि क्रॉप्स का बच्चों व्हीट ग्राम पी है कोई से दो लिख दो इनमें से तो ये क्वेश्चन थर्ड हो गया यानी मैचिंग में से इसका आंसर मिल गया आपको फिर क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रत्येक में आपको एक पैराग्राफ लिखना है पैराग्राफ का मतलब होता है कि आप बाउंड नहीं है आप कितना लिखें लेकिन उसके बारे में जानकारी दें जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्रिपरेशन सॉइल बच्चों इसका लिखने के लिए आप देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल बच्चों ये लिखा हो पेज नंबर टू पर प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल तो इसके बारे में यहां लिखा है हैं और यहां तक है यहां से लिखे यहां तक है तो आप इसको रीड कर लेंगे ठीक है और टिलिंग वगैरह है प्लोइंग है इनको अच्छे तरीके से सुनिए यहां से यहां तक है टेलिंग का प्लोइंग का तो ये आप ये इसमें से आप पैराग्राफ बना लेंगे फिर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है सोइंग अर्थात बोभा ये सोइंग की भी चर्चा हमने की थी पहले तो सोइंग ऑन पेज फोर पर सोइंग लिखा हुआ वाले देख रहे हैं आप सोइंग ये ये यहां से लेके यहां तक आप इसमें से पैराग्राफ लिख लेंगे ठीक है थोड़ा थोड़ा लिखेंगे इसमें इसके बाद बच्चों वीडिंग। वीडिंग का मतलब यह है कि ये रीडिंग ये टेन पेज पर देखें आप तो वीडिंग क्या है द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग तो इससे पहले ये वीड क्या है वीडिंग क्या है, है? इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं रिमूवल बाय हैंड हो गया खुरपी के द्वारा हो गया है और हो के द्वारा हो गया केमिकल के द्वारा वीडीसाइड टू फोर डी ऐसे आप इसमें से पैराग्राफ बना करके लिख देंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों थ्रेसिंग थ्रेशिंग जो है वो हार्वेस्टिंग से संबंधित है इसी टेन पेज पर हार्वेस्टिंग क्या है और देखो थ्रेशिंग ये रही इसकी परिभाषा तो ये जो है यहां से मतलब यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक आपको लिखना है समझे? इसके बाद आपका थ्रेशिंग भी कंप्लीट हुआ अब क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाएं हाउ द फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेन्यर मैंने आपको काफी समझाया था इसके बारे में लेकिन एक टेबल बनी हुई है आपकी बुक में उसको आप एज इट इज उतार लेंगे और आपको अतिरिक्त जानकारी है तो भी लिख लेंगे ऑन पेज सेवन ऑन पेज सेवन टेबल वन पॉइंट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड रेवेन्यू ये एज इट इज यहां तक उतार लेंगे आप इस टेबल को पूरी को उतार लेंगे ठीक है बेटा अब आगे चले क्वेश्चन सेवन के लिए व्हाट इज इरिगेशन इरिगेशन क्या है डेस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विज कंजर्व वाटर अर्थ इरीगेशन क्या है और आपको दो आधुनिक मेथड बताने पुराने नहीं बताने दो जो बाद में मैंने आपको समझाए थे वो आपको बताने हैं जैसे इरिगेशन बच्चों इरिगेशन ऑन पेज सेवन यहां लिखा हुआ वन पॉइंट सिक्स पर इरिगेशन इरिगेशन की डिफाइन यहां से द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट द डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन ये परिभाषा हो गई इसके बाद बच्चों आप दो मेथड यहां से स्टार्ट करेंगे पेज नाइन पर मॉडर्न मेथड में पहला मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम ये हेडिंग डाल करके लिख लेंगे इसमें से फिर ड्रेप इरीगेशन ये हेडिंग डाल करके इसमें से लिख लेंगे ठीक है शॉर्ट पैराग्राफ बना करके तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट है इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन What वुड हैपन डिस्कस ये उल्टा उल्टा कर रहा है बच्चों। आप जानते हैं व्हीट जो है वो एक तरह से कोल्ड वेदर में कोल्ड सीजन में उगाई जाने वाली फसल है और इसके लिए मीडियम रेंज चाहिए लेकिन खरीफ सीजन में यदि इसको उगाएंगे तो वहां पर हाई टेम्परेचर हो जाएगा हाई रेन हो जाएगी जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो डैमेज हो जाएगा हमारा अर्थात इस फसल को इस खरीफ सीजन में नहीं उगाया जा सकता अब क्वेश्चन नंबर एट देखिए एक्सप्लेन हाउ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कंटेन प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप्स इन ए फील्ड बच्चों आज का समय लोगों को एक तरह से जो फार्मिंग है वो इस टाइप का हो चुका है कि हम ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करें इसलिए कंटेन प्लांटेशन करते रहते हैं है? तो इससे क्या होगा कि एक डेफिनेट जो न्यूट्रिएंट है वो खत्म होते जाएंगे कम होते चले जाएंगे और आगे फर्दर प्रोडक्शन जो है आप उस प्रभावित होगा बैडली और प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होगा इसलिए कंट्रंस प्लांटेशन करने से डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट हो जाएगी बच्चों और इसको पूरा करने के लिए हमें एक तो आ, हमें जो है फ, आ, फील्ड फॉलोअप छोड़ना चाहिए अर्थात जैसे आप काम करने के बाद रेस्ट करते हैं ऐसी फसल उगाने के बाद कुछ समय के लिए खेत को एज इट इज रहने दीजिए खाली छोड़ दीजिए समझे नहीं अनकल्टिवेटेड रखिए उसको और उसके बाद उसमें जो अलग से आप मेन्योर डालते रहिए फर्टिलाइजर डालते रहिए तो एक तरह से आपको प्रोडक्शन जो है आगे फर्दर प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर मिलता रहेगा नेक्स्ट है नाइन वाटर वीड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल वीड्स क्या होते हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है बच्चों देखिए वीड्स की पेज टेन पर इसकी डिफाइन यहां से यहां तक है समझे इन द फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट मे ग्रो नेचुरली है अलोंग विद द क्रॉप तो तो वीट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों? एक तो बाय हैंड हो गया आपका है बाय जैसे खुरपी वगैरह से करिए अपरूटिंग कीजिए, हो यूज करिए और वीडी साइड जो केमिकल मेटेरियल है जैसे टू फोर डी केमिकल है जो वीट कंट्रोल करने में काम आता है बच्चों इस तरह से आप इसमें से इसका आंसर लिख लेंगे आ, या जैसे आपने लिख रखा है हाँ, अब मैं केवल समझा रहा हूं बच्चों दोबारा आपको इस तरह से नहीं बल्कि समझाने के तौर पर आप समझे क्वेश्चन क्या, क्या है And अब क्वेश्चन नंबर टेन देखिए अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन ए प्रॉपर ऑर्डर है एक प्रॉपर ऑर्डर में इन बॉक्सेस को प्रबंधित करिए व्यवस्थित कीजिए टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ द शुगर के इन क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि गन्ने की फसल के उत्पादन को एक तरह से चार्ट बना सके आप उस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए इसका मतलब यह कि पहला स्टेप आपका क्या होगा दूसरा क्या होगा तीसरा क्या होगा तो इसमें बेटे वन से लेकर सेवन तक स्टेप है तो अब इसमें पहले नंबर पे कौन सा आएगा सबसे पहले आप प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल करते हैं क्या करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल करते हैं दूसरे में दूसरे प्रिपरेशन में आपकी प्लोइंग द फील्ड खेत की टेलरिंग करते हैं फिर तीसरे में आप सीड सोइंग करते हैं और फोर्थ में आप उसमें मैन्योरिंग डालते हैं अर्थात फर्टिलाइजर और मेन्योर यूज करते हैं इसके बाद बच्चों आप इरिगेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द क्रॉप्स और इसके बाद फिर आप हार्वेस्टिंग करते हैं फसल की कटाई कर लेते हैं हार्वेस्टिंग जब आपकी कट जाती है फसल कट जाती है सॉरी जब आपकी फसल प्रिपेयर होकर मेच्योर होकर हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद आप सेंडिंग क्रॉप टू द सुगर फैक्ट्री शुगर फैक्ट्री के लिए आप उसको भेज देंगे क्यों? कि बच्चों ये जो क्रॉप है इसको प्रिजर्व नहीं किया जाता ये कैश क्रॉप होती है इसलिए इनको सीधा ही आप जो है फैक्ट्री में भेजते हैं सुगर वगैरह फॉर्म करने के लिए तो सबसे पहला ये फिर ये और फिर ये और बच्चों फिर इसके बाद में है ये और फिर ये और फिर इसके बाद सिक्स नंबर पर है ये सेवन पर ये इस तरह से आप इनको क्रम से लिखते चले जाएंगे तो आ, ये रहा आप ये ध्यान करें कि जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भेजे आप रहने तो उन्हीं को लें यहां तो केवल मैंने आपको समझाया है बच्चों ठीक है और बच्चों अच्छी तरीके से समझें और अपना चैप्टर पूरा हो गया आपका ये थैंक यू